शेख, मेरा सवाल ये था कि शेख, मुझसे एक ने कहा कि जो लोग मतलब दाढ़ी काटते हैं, क्लीन शेव करते हैं, उनकी दुआ कबूल नहीं होती है। क्या शेख ये सही है? देखिए, दाढ़ी दाढ़ी सेव करना ये हमारी शरीयत के अंदर हराम है, लेकिन ऐसी कोई वईद नहीं आई है कि अगर किसी ने दाढ़ी सेव किया तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। बिल्कुल भी नहीं, ये बात गलत है। और देखिए, इस तरह का हुक्म लगाना किसी के बारे में कि फलां की दुआ कबूल नहीं होगी, इसके लिए दलील चाहिए। वो आदमी हराम काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, उसे उसका गुनाह मिलेगा, लेकिन उस पर ये हुक्म लगा देना कि उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, ये एक शरई हुक्म है और इसके लिए दलील चाहिए। शेख, जैसे कि क्या दलील होती है कि इस मतलब दुआ कबूल नहीं होगी? भाई, कुरान से कोई आयत हो, कोई हदीस हो जिसमें कहा गया हो कि जिसने दाढ़ी शेव किया उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, ऐसी कोई हदीस होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर कोई आदमी हराम माल खाता है तो उसके बारे में आया है एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जो है, जो आदमी हराम माल खाता है, हराम पहनता है, हराम पीता है जो है, और अपने जिस्म को हराम माल से पालता है, फिर वो दुआ करता है फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो उसकी दुआ कहाँ कबूल होगी। तो अब यहाँ पर दलील आ गई कि कोई आदमी हराम खोरी कर रहा है, हराम खा रहा है, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि लतअमुरुन्ना बिल मारूफ वलतनहौना अनिल मुनकर औ लयुशरिकन्ना अल्लाहु अन यबअथ अलैकुम इकाबन फा थुम्मा तदउना फला युस्तजाबु लकुम, औ कमा कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, अगर ऐसा नहीं करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर सजा भेजेगा, और जब सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजेगा तो दुआ करोगे, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। तो यहां पर बता दिया गया कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को अगर कोई छोड़ रहा है तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो इसी तरह से दाढ़ी काटने के बारे में अगर आप कह रहे हैं कि दाढ़ी अगर कोई शेव करता है तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, तो इसके लिए दलील चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि दाढ़ी शेव करना यह हराम है शरीयत के अंदर, लेकिन उस पर यह हुक्म लगाना कि उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, इसके लिए दलील चाहिए।